नमस्कार, मैं उदय चौहान, आप देख रहे हैं आई इंडिया। कोरोना की तीसरी लहर फिर डराने लगी है। खतरे की घंटी बज चुकी है, चूंकि आज सीतापुर में पहली बार कई महीनों बाद दहाई का आंकड़ा पार किए हैं कोरोना के नए मरीज। आज जो रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग ने जारी की है उसके मुताबिक आज 12 नए मरीज कोरोना के मिले हैं। इसी के साथ सीतापुर में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 22 पहुँच गई है। अगर हम बात करें स्वास्थ्य विभाग से जारी रिपोर्ट के मुताबिक, आज प्राप्त टेस्ट रिपोर्ट कुल 1907 हुई हैं। इनमें से 1842 निगेटिव आए हैं और 12 केस पॉजिटिव मिले हैं। तो आज कई दिन बाद, और अगर हम देश की बात करें तो पिछले 24 घंटे में तकरीबन 1,17,000 नए केस मिले हैं और यूपी में 3,000 के ऊपर नए केस पाए गए हैं। तो लगातार कोरोना के बढ़ते नए केसों ने चिंता बढ़ा दी है। स्वास्थ्य विभाग भी सकते में है और स्वास्थ्य विभाग ने अपनी कवायद तेज कर दी है कोरोना पर काबू पाने के लिए। और शासन ने भी, आपने जैसे सुना भी होगा कि सारी रैलियां रद्द कर दी गई हैं चुनावी, प्रधानमंत्री की भी जो 9 जनवरी को प्रस्तावित थी लखनऊ में रद्द कर दी गई है। मुख्यमंत्री योगी और विपक्ष के नेताओं ने भी रैलियां रद्द कर दी हैं। लेकिन सार्वजनिक स्थलों पर जो देखने में आया है कि आम जनमानस अभी कोरोना को लेकर के लापरवाह नजर आ रहा है। ना तो मास्क चेहरे पर नजर आ रहे हैं, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते लोग नजर आ रहे हैं। चूंकि अब नए केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं, इसलिए कोरोना से बचाव का एकमात्र तरीका गाइडलाइन का पालन करना ही है। कृपया आप लोग लापरवाही ना बरतें, क्योंकि आने वाले दिनों में ये संख्या और ज़्यादा पहुंचने की उम्मीद है। आई इंडिया की भी आपसे अपील है कि कोरोना पर काबू पाने के लिए कोविड गाइडलाइन का पालन जरूर करें। फिलहाल कोरोना अपडेट की और कोई नई खबर हम लेकर आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।